नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे कामयाब टीमों में से है। पिछले सीजन के विजेता चेन्नई इस सीजन में फिलहाल अंक तालिका में टॉप पर है। टीम को 3 खिताब जीता चुके चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक और कीर्तिमान के करीब पहुंच चुके हैं। गुरुवार को अगर धोनी की टीम राजस्थान रॉयल्स को मात देने में कामयाब रहती है तो धोनी आईपीएल में बतौर कप्तान जीत का शतक पूरा कर लेंगे। ऐसा करने वाले वह आईपीएल के पहले कप्तान होंगे। धोनी की कप्तानी में चेन्नई अब तक 99 मैच जीतने में कामयाब रही है। इस सीजन में चेन्नई 6 मैच खेल चुकी है जिसमें उसने 5 में जीत हासिल की है। चेन्नई को इकलौती हार मुंबई इंडियंस से मिली। ड्यूएन ब्रावो के चोटिल होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शायद चेन्नई की टीम कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि दीपक चाहर और इमरान ताहिर ने अपनी शानदार गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत में अहम भूमिका निभाई। विजय रथ पर सवार मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स गुरुवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। अपने घर पर चेन्नई ने राजस्थान को 8 रनों से मात दी थी। अब राजस्थान चाहेगी कि वो अपने इस घर पर इस हार का बदला ले। राजस्थान ने 5 मैचों में केवल 1 जीता है जबकि 4 हारे हैं। टीम 2 अंकों के साथ 7वें नंबर पर है। राजस्थान की बल्लेबाजी ज्यादातर जॉस बटलर और आंजिक रहाणे पर टिकी हुई है। संजू सैमसन की फिटनेस चिंता का सबब है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और बेन स्टोक्स को भी चेन्नई के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन करने की जरूरत है। वहीं बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की तो राजस्थान की टीम में अंजिक रहाणे, जॉस बटलर, स्टीवन स्मिथ, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टोक्स, प्रशांत चोपड़ा, कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, जोफ्रा आर्चर, सुदेशन मिथुन, धवल कुलकर्णी शामिल है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शेन वॉटसन, फॉफ डुप्लेसिस, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, स्कॉट कुगलिन, दीपक चाहर, हरभजन सिंह और इमरान ताहिर शामिल है। दोनों टीमों की तुलना करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला ज्यादा भारी है, लेकिन राजस्थान भी ये मैच जीत कर अंक तालिका पर थोड़ा ऊपर उठना चाहेगी। आपको खबर कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।